हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू फैक्ट। मैं यहां आज आपके सामने एक नई मटेरियल के बारे में बात करूं, जो थिंग्स यानी सामान को बनाने के तरीके में क्रांति ला सकती है। इस मटेरियल को एक लिक्विड मेटल एलॉय कहा जाता है और इसकी खास बात यह है यह खुद से ही ठीक हो सकता है। हाँ, अपने सही सुना, यह मटेरियल खुद को ठीक कर सकता है, चाहे वो कटी हो या फिर चुभी हो। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिर ये करता कैसे। इस लिक्विड मेटल एलॉय में छोटे छोटे मेटल के बूंदे होती हैं जो एक लिक्विड में घुल जाती है। जब मटेरियल को क्षति पहुंचती है तो बूंदे एक साथ बह जाती हैं और नई मटेरियल की एक नई परत बना देती है। इस प्रक्रिया को सेल्फ असेंबली कहा जाता है या यह ही इसे खुद ठीक होने की अनुमति देता है। लिक्विड मेटल एलॉय अभी डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में है, लेकिन इसमें विभिन्न अनुप्रयोग में उपयोग होने की संभावना है। उदाहरण के लिए सेल्फ हीलिंग ब्रेसलेट, सेल्फ हीलिंग एरोप्लेन्स, यहाँ तक कि सेल्फ हीलिंग मेडिकल इम्प्लांट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में इस मटेरियल से होने वाले फायदों को देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है कि यह दुनिया बदल सकता है। उम्मीद है आप भी एक्साइटेड। लिक्विड मेटल एलॉय के डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों को अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इसे अधिक टिकाऊ एंड कोरोजन प्रतिरोधी बनाना। सेल्फ हीलिंग मटेरियल का उपयोग करने से पर्यावरण को काफ़ी लाभ होने की संभावना है, जैसे कि कचरे डिस्पोजल को कम करना और ऊर्जा खपत को कम करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।